अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको मैं दो ऑप्शन बताने वाला हूँ सैमसंग के। जो कैमरा फ़ोन लेना चाहते हैं लोग 20,000 की प्राइस में, वो इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाले फ़ोन गैलेक्सी ए सीरीज़ के फ़ोन है और काफ़ी तगड़े कैमरा रिजल्ट इनमें मिल जाएंगे। अगर आप 20,000 में कोई नया फ़ोन लेते हैं तो उसके रिजल्ट अगर आप यूज्ड में 20,000 वाला फ़ोन लें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको मिलेगा। यूज्ड में अच्छे रिजल्ट कैमरा के मिल जाएंगे, क्योंकि वो वाला फ़ोन आप 20,000 में वो बाय कर रहे हैं जो कि लॉन्च हुआ था तो 30-35,000 या इससे ज़्यादा वाली प्राइस का था। इसीलिए आपको कैमरा ज़्यादा अच्छा लेना हो तो 20,000 में मैं रिकमेंड ही नहीं करता, क्योंकि इस रेंज में ज़्यादा तगड़े कैमरा आपको मिलते नहीं है। क्योंकि 20,000 में ज़्यादातर फ़ोन जो लॉन्च हो रहे हैं वो गेमिंग के लिए अच्छे चिपसेट दे रहे हैं, तो कैमरा पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता 20,000 की कैटेगरी में। तब आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं यानी यूज्ड में, तो सैमसंग के फिर आपको ऑप्शन जे ज़्यादा बेस्ट मिलेंगे। तो ये फ़ोन है गैलेक्सी A30 वाला और साथ में A30S वाला फ़ोन है, जो कि 25,000 के पास या 20,000 में भी मिल सकता है। OLX पर आपको डिफरेंट प्राइस में ये फ़ोन मिल जाते हैं, लेकिन आप फ़ोन चेक करके लेना और ऑफलाइन मार्केट में भी जाके पता कर सकते हैं इनकी प्राइसेस का। तो A30 और A30S वाले फ़ोन में सेम चिपसेट मिलता है जो कि एक्सोनोस का यह 7904 वाला, जो 14 NM टेक्नोलॉजी पे बनाया। तो A30 वाले फ़ोन में सुपर एमोलेड का डिस्प्ले है, 1080p रेजोल्यूशन वाला, 6.4 इंच का, एंड्रॉयड 10 की अपडेट इस पे मिल जाती है, प्रोसेसर भी ठीक है परफॉर्मेंस के मामले में, डे टू डे यूज़ में अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरियंट पाकिस्तान में मिलता है और बैक पे डुअल कैमरा है, 16MP का मेन कैमरा है और 5MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और फ्रंट पे 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है इसमें। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसकी बैक पे लगाया गया है और जेरोस्कोप वगैरह सभी जरूरी सेंसर इसमें मिल जाते हैं। 4000mAh की बैटरी है इसमें, 15W का फास्ट चार्जर है, और जो A30S वाला फोन है इसमें भी सुपर एमोलेड का डिस्प्ले है, लेकिन 720p की रेजोल्यूशन मिलती है। तो इस वाले फोन में आपको एंड्रॉयड 11 तक अपडेट्स मिलेंगी ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसमें भी सेम वही चिपसेट है एक्सोनोस 7904 वाला, ऑक्टा कोर के सीपीयू के साथ। तो इसमें 4GB रैम 64GB वाला वेरियंट भी आता है और 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट भी है। तो कैमरे इसमें आपको थोड़े ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, 3 कैमरे लगाए गए हैं इसकी बैक पे, 25MP का मेन कैमरा है, 8 का अल्ट्रा वाइड और 5MP का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट पे 16MP का कैमरा मिलता है। तो सेल्फी कैमरा तो इनमें सेम है, लेकिन बैक कैमरा में थोड़ा फर्क मिलेगा। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके डिस्प्ले के अंदर ही है और जरूरी सेंसर सभी इसमें भी मिलते हैं। 4000mAh की बैटरी और 15W का फास्ट चार्जर है। गैलेक्सी A30 वाला फोन आपको 20,000 या इससे कम ज्यादा प्राइस में मिल जाएगा। तो अगर आप सैमसंग की A सीरीज में कोई फोन लेना चाहते हैं 20,000 की प्राइस में, तो इतना पुराना भी नहीं हुआ, इसको आए ऑलमोस्ट 2 साल तक हुए हैं। पिछले साल ये न्यू डब्बा पैक सेल होता रहा है, तो आपको ये अच्छी कंडीशन में फोन मिल जाएगा। हो सकता है वारंटी के साथ भी मिल जाए, थोड़ा आपको ज्यादा प्राइस में मिल सकता है 25,000 या 22,000 की प्राइस तक। तो आप ऑफलाइन मार्केट में जाकर ये मॉडल दोनों चेक कर सकते हैं। वारंटी के साथ अगर आपको मिले हैं तो जरूर आप इन्हें बाय कर सकते हैं अगर आप कैमरा फोन लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे कमेंट आए होते हैं कि कैमरा फोन 20,000 की रेंज में कौन सा लिया जाए। तो तब आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि यूज्ड में फोन आप ले सकते हैं, जिसमें सैमसंग ब्रांड अच्छी डील आपके लिए हो सकती है अगर आप 20,000 खर्चना चाहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।